क्लास 11th स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने आपको डायमेंशंस के बारे में बताया था कि डायमेंशंस क्या होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और कुछ क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पे बनाए भी थे और बाकी नोट्स में आपको भेजे थे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशनल एनालिसिस की क्या एप्लीकेशन है? नंबर वन, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। हम किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो ऐसा ही सिस्टम है जिसमें बेसिकली हम लेंथ का यूनिट क्या लेते हैं, मीटर, मास का केजी और टाइम का सेकंड। अगर हम उसे सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहें तो सीजीएस में हम लेंथ का यूनिट क्या लेते हैं, सेंटीमीटर, मास का यूनिट क्या लेते हैं, ग्राम, और टाइम का यूनिट क्या लेते हैं, सेकंड। यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, यानी उसकी डायमेंशन लेफ्ट साइड और राइट साइड में करेक्ट है या नहीं। और इसी का यूज करके हमेशा कॉन्स्टेंट बनाए जाते हैं। मोस्टली जो कॉन्स्टेंट होते हैं, या कोई पूछ ले आपसे कि कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है, उसकी वैल्यू वन क्यों आ गई, तो मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज जो डायमेंशनली करेक्ट होते हैं और जो किसी फिजिकल कंडीशन के साथ वैरी नहीं करते, उनमें हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू वन होती है। तीसरा है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कोई भी फॉर्मूला है वो ड्राइव कर सकते हैं। जो फॉर्मूलाज प्रैक्टिकली हमने असेंबल किए हुए हैं उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारी पहली एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा बेसिस क्या रहेगा? बेसिस ये रहेगा, फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने बताया था भी कोई भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, एन वन इंटू एन वन यू वन। एन वन क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। यू वन क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू एन टू यू टू। एन टू क्या है? दूसरा मैग्नीट्यूड। और U2 क्या है? कोई अदर सिस्टम। और जैसे हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, हमारा 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर पहले सिस्टम जिसमें हमने लेंथ का यूनिट मीटर लिया है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन जब हम दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो जिसमें उसका यूनिट सेंटीमीटर लेते हैं तो वहां पर उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है, 100 बन जाता है। क्लियर? तो इसके लिए बेसिकली हम करेंगे क्या, सबसे पहले उस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले उस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे। मान लो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम रेस टू पावर ए, एल रेस टू पावर बी एंड टी रेस टू पावर सी। उस डायमेंशन फॉर्मूला से हम ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर? निकाल ली। अब हमने क्या करना है, एन टू किसके इक्वल होगा, एन वन यू वन अपॉन यू टू के अंदर। यानी U1 और U2 सिस्टम में हम उस डायमेंशन फॉर्मूला को पुट करेंगे और हम क्या देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट किसके बराबर आएगा, N2 इज इक्वल आएगा N1 M1 अपॉन M2। M1 क्या है? पहले सिस्टम में बेसिक क्वांटिटी। M2 क्या है? दूसरे सिस्टम में बेसिक क्वांटिटी। रेज टू पावर A, L1 L2 बाय L2 रेज टू पावर B एंड T1 T2 रेज टू पावर C। और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर? तो ये तो था हमारा बेसिक मेथड। अब इसको अप्लाई करते हैं, अच्छे से आपको समझ आएगा। क्या कहा है? कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू टाइम। वन न्यूटन, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन क्या है। तो इसका आंसर है न्यूटन है वो फोर्स का एसआई यूनिट है। क्लियर? और टाइम क्या है? टाइम फोर्स का सीजीएस यूनिट है। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है जो क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू। और वहां से हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, निकाल ली। ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए वन है, बी वन है और सी माइनस टू है। क्लियर? अब इस फॉर्मूले में हमने एम वन एम टू एल वन एल टू टी टी वन टी टू पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। क्लियर? एम वन, एम वन का मतलब कि एसआई सिस्टम में एम, एसआई सिस्टम में एम क्या होता है, मास, और मास का यूनिट क्या होता है, केजी। यानी एम वन हमारा क्या आ गया, वन केजी। L1 क्या आ गया, 1 मीटर। और T1 क्या आ गया हमारा, 1 सेकंड। इसी तरह से CGS सिस्टम में M1 क्या होगा, M2 क्या होगा, 1 ग्राम। L2 1 सेंटीमीटर और T2 हमारा क्या होगा, 1 सेकंड। क्लियर?
और एन वन हमें कितना दिया हुआ, ये देखिए 1 न्यूटन, जैसे यहां पर था हमारा 1 मीटर, क्लियर, तो ये आ गया 1 न्यूटन। अब हमने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है और सॉल्व कर दिया, यानी एन टू किसके इक्वल होगा, एन वन, एम वन की वैल्यू क्या है 1 kg बाय एम टू 1 ग्राम रेज टू पावर ए, ए क्या है हमारा 1 है। इसी तरह से एल वन, एल वन क्या है 1 मीटर डिवाइड बाय एल टू 1 सेंटीमीटर और उसकी पावर क्या है बी, और बी हमारे पास क्या है 1। इसी तरह से टी टू और टी वन की वैल्यू पुट की और सोल्व कर दिया, क्लियर। अब हमें किसमें कन्वर्ट करना है, एस आई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो जो एस आई सिस्टम के यूनिट्स हैं जैसे केजी, मीटर, सेकंड, इन सभी के सीजीएस यूनिट में वैल्यू पुट कर दें और सोल्व कर लें। अगर सीजीएस से एसआई में आना है तो सीजीएस सिस्टम के यानी ग्राम की वैल्यू पुट करेंगे, सेंटीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे और सेकंड की वैल्यू पुट करेंगे। अगर एसआई से सीजीएस में जाना है तो किलोग्राम की वैल्यू ग्राम की फॉर्म में पुट करेंगे, मीटर की वैल्यू सेंटीमीटर की फॉर्म में पुट करेंगे, और यहां पर दोनों सेकंड है तो ज्यादा कुछ पुट नहीं करना, सेम रहेगा, क्लियर। तो हमने क्या देखा, एन टू, एन वन की जगह क्या है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम या 10^3 ग्राम होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्लियर, और 1 सेकंड, सभी को कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10^3 यहां से आ गया और 10^2 यहां से आ गया, और यहां पर 1 है तो मल्टीप्लाई 1 यानी कितना हो गया 10^5 डाइम। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10^5 डाइम के इक्वल होता है, क्लियर। एक और लेते हैं सिंपल, कन्वर्ट 1 जूल इंटू आर। सबसे पहले ये देखना है क्या बताया है और किसमें कन्वर्ट करना है। तो जूल क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है किसका, एनर्जी का, और आर क्या होता है, ये सीजीएस यूनिट होता है किसका, एनर्जी का, यानी इसमें भी हमें एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मेथड क्या है, सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखे, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 l square t minus 2 एबीसी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या दिया हुआ है, एसआई यूनिट है, यानी हमारा m1 क्या आएगा 1 kg, l1 क्या आएगा 1 मीटर, और हमारा t1 क्या आएगा 1 सेकंड। इसी तरह से हमारा m2 क्या आएगा, सीजीएस है 1 ग्राम, l2 क्या आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, और हमारा t2 क्या आएगा 1 सेकंड। सभी की वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में, और n1 कितना दिया हुआ है 1 जूल, तो n1 आ गया 1, वैल्यू पुट करिए फॉर्मूले में। हमारे पास n2 किसके इक्वल आएगा, n1 हमारा 1 है, m1 by m2 raised to power a, यानी 1 kg by 1 ग्राम raised to power a, और a हमारा क्या है यहां पर 1 है। इसी तरह से into l1 by l2 1 मीटर by 1 सेंटीमीटर raised to power b, और b हमारा क्या है 2, और फिर तीसरी पावर t1 by t2 1 सेकंड by 1 सेकंड raised to power c, c हमारा क्या है -2, c क्या है हमारा -2। सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि हमें एसआई से सीजीएस में जाना है। तो ये n2 इज इक्वल आ गया हमारा 1 into 1000 डिवाइड बाय 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम raised to power 1, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर रेस टू पावर 2 इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड बाय 1 सेकंड रेस टू पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से आ गया 10^3 इंटू 100 मतलब 10^2 और उसकी पावर क्या है 2, क्लियर। तो ये हो गई हमारे पास 10^2 को हम 2 बार लिख लेते हैं, 10^4 बन गई। तो 1 जूल किसके बराबर आ गया बेटा, हम क्या देखते हैं कि 1 जूल इज इक्वल आएगा, यहां पर ये बन गया 10^7 यानी 1 जूल किसके इक्वल आ गया, 10^7 अर्ग के इक्वल आ गया, क्लियर। सॉल्व करेंगे, जो आंसर आया है उसके पीछे अर्ग लिख देंगे, तो हमारा 1 जूल किसके बराबर आ गया, 10^7 अर्ग के बराबर आ गया, क्लियर। हैव ए गुड डे, थैंक यू।